तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जिसको मैंने दो पार्ट्स में आप लोगों को बताया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने हिस्ट्री और उसके आउटलाइन डायग्राम्स के बारे में बात की, और दूसरे पार्ट में जो क्लासिफिकेशन है हम लोगों ने उसकी डिटेलिंग में बात की। तो आइए इसमें भी देखते हैं। जैसे आप डिटेलिंग में देखें तो आपको, जैसे मैंने बताया, दो प्लांट किंगडम दो पार्ट में बटा हुआ है, दो ग्रुप्स में। पहला है फ्लावरिंग और दूसरा है नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग की अगर हम बात करें तो ये तीन ग्रुप्स में, डाइकॉट्स, मोनो, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स की अगर हम बात करें तो डाइकॉट्स में एम्ब्रियो जो है वो दो कॉटिलेडन्स में है। इनके लीव्स जो हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन में रहते हैं और इनके फ्लावर्स जो रहते हैं यूजुअली पेंटामेरस रहते हैं। इसके भी तीन डिविजन्स हैं डाइकॉट्स के, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लोमाइडी। पॉलीपेटल्स, जिसमें कि पेटल्स जो पंखुड़ियाँ आपस में एक दूसरे से संलग्न नहीं हुई रहती हैं। इसमें तीन सीरीज़ हैं, थैलेमी फ्लोरी, डिसी फ्लोरी और कैलिसी फ्लोरी। इनका मेन थैलेमी फ्लोरी मतलब ऐसे थैलेमस मतलब कि जो फ्लावर्स जो होते हैं जिनका ओवरी, कैलिक्स, करोला, जो हर पार्ट्स जिसके बेसल पोर्शन में, जो बेसल पार्ट्स के ऊपर से जो ग्रो करते हैं उसे हम थैलेमस कहते हैं। तो इसका जो थैलेमस रहता है वो डोम शेप्ड का रहता है। डोम शेप्ड मतलब कि बहुत ही गहराई लिए हुआ और ट्यूब फॉर्म में रहता है। डिसी फ्लोरी में डिस्क शेप्ड या फिर पॉट शेप्ड जो थैलेमस रहता है उसे हम डिसी फ्लोरी में इंक्लूड करते हैं। ऐसे फ्लावर के थैलेमस जो कप शेप में रहते हैं उसे हम कैलिसी फ्लोरी में इंक्लूड करते हैं। दूसरा, गैमोपेटली। गैमोपेटली में पेटल्स जो आपस में एक दूसरे से संलग्न रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इनके भी तीन सीरीज़ हैं, इन्फेरी, हेटरोमेरी और बाइकार्पलेटी। तो पॉलीपेटली में अगर हम सीरीज़ की बात करें तो वो जो सीरीज़ है वो थैलेमस के बेसिस पे है, और गैमोपेटली के जो सीरीज़ हैं वो ओवरी के बेसिस पे हैं। इन्फेरी मतलब कि ओवरी जिसकी इन्फीरियर हो, हेटरोमेरी मतलब कि ओवरी जिसकी सुपीरियर हो, और बाइकार्पलेटी, बाइकार्पलेट मतलब बाई मतलब दो, और कार्पलेट मतलब कि कार्पल्स, ऐसे ओवरी जिनमें दो कार्पल्स पाए जाते हैं। तीसरा डिवीजन है इसमें मोनोक्लोमाइडी। मोनोक्लोमाइडी ऐसे वो पुष्प को बोलेंगे जिसमें सेपल्स और पेटल्स दोनों ही एब्सेंट रहेंगे या फिर हम उस दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हम इन्हें पेरियंथ बोलते हैं, और पेरियंथ का यूनिट टेपल होता है। तो इसमें भी आठ सीरीज पाई गई हैं। कर्व एम्ब्री जिसमें एम्ब्रियो जो रहती है वो कर्व्ड लिए हुए रहती है, मुड़ी हुई रहती है। मल्टी ओविलेट एक्वेटिक जिसमें जो पौधे जो रहते हैं वो जली होते हैं, जो वाटर बेस्ड जो प्लांट रहते हैं। मल्टी ओविलेट टेरेस्ट्रियस जो लैंड रिलेटेड प्लांट रहते हैं। माइक्रो एम्ब्री ऐसे एम्ब्री जिसके साइज़ बहुत ही छोटे रहते हैं। डेफनेल्स ऐसे ओवरी जो मोनोकार्पल्स होते हैं जिनमें ओव्यूल सिंगल रहते हैं। एक्लेमाइडोस्पोरी ऐसे ओवरी जो यूनिलोक्युलर होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही लॉक्यूल्स प्रेजेंट होता है। लॉक्यूल्स यानी कि चैम्बर या फिर एक कमरा या रूम के हिसाब से हम उसे नाम दे सकते हैं। यूनिसेक्सुअल ऐसे फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल रहते हैं, या तो मेल रहेंगे या फिर फीमेल। ऑर्डाइंस एनोमली ऐसे फ्लावर या ऐसे स्पीशीज़ जिनके ऑर्डर्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से अलग या फिर भिन्न रहते हैं। दूसरा है मोनोकॉटिलेडन्स। मोनोकॉटिलेडन्स मतलब कि फ्लावर्स जो रहेंगे यहाँ पे ट्राइमेरस रहेंगे, क्योंकि मोनोकॉट्स में जो सेपल्स और टेपल्स आपस में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते हैं, तीन ही पंखुड़ी लिए हुए रहते हैं और इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन्स पाया जाता है। इसके सात सीरीज़ हैं। माइक्रोस्पर्मी इसमें ओवरी इन्फीरियर रहती है और इनके सीड जो रहते हैं उनके आकार या उनकी साइज़ बहुत ही छोटी रहती है। एपिगाइनी इसमें ओवरी इन्फीरियर रहती हैं। करोनरी इसमें पेटलॉइड पेरियंथ रहते हैं। पेटलॉइड पेरियंथ उसे कहा जाता है ऐसे सेपल्स जो पेटल्स के समान दिखते हैं उनके कलर में, उनके साइज़ या उनके शेप में, तो उसे हम पेटलॉइड कहते हैं। कैरिसिनी पेरियंथ सेपलॉइड। सेपलॉइड मतलब ऐसे पेटल्स जो सेपल्स के जैसे दिखते हैं, या तो उनके कलर में या शेप में या फिर साइज़ में। न्यूडी फ्लोरी मतलब जिसमें पेरियंथ एब्सेंट रहते हैं। एपोकार्पल मतलब कि जिसमें कार्पल्स जो रहते हैं वो फ्री रहते हैं, जिसमें कार्पल्स आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। ग्लूमसी ऐसे पेरियंथ जिसमें स्केली या फिर रिड्यूस्ड हेयर्स हमको दिखते हैं, रेशेदार संरचना हमें उनमें दिखाई देती है। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है
जो जिनके जो फ्लावर्स रहते हैं वो कोन की संरचना लिए हुए रहते हैं, और इनकी इनके ओव्यूल्स में ओवरी नहीं पाई जाती है। अब हम इनकी मेरिट्स की अगर हम बात करें तो बैंथम हुकर सिस्टम में ऐसे स्पीशीज़ को रखा गया है जो कि एक्यूरेट डिटेल्स और वेल डिस्क्राइब्ड हैं। इस यह जो क्लासिफिकेशन है यह हाईली प्रैक्टिकल है और बहुत ही इजी है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यह क्लासिफिकेशन है, इसलिए ज़्यादातर यूज़ में यही क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है। इस स्पीशीज़ के थ्रू सॉरी इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम स्पीशीज़ के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। डाइकॉट्स जो है, डाइकॉट्स में सबसे पहला या सबसे बिगिनिंग में रैनेस ऑर्डर को रखा गया है, जिसको हम जो कि वर्ल्ड वाइड यह एक्सेप्ट किया गया है कि यह मोस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है। मोनोकॉट्स को डाइकॉट्स के बाद में रखना भी एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से इसे कंसिडर किया गया है। डिसी फ्लोरी को थैलेमी फ्लोरी और कैलिसी फ्लोरी के बीच में रखा जाना भी एक नेचुरल कंसिडर किया गया है। गैमोपेटली को पॉलीपेटली के बाद में रखा जाना भी सूटेबल है, क्योंकि जो पेटल्स जो रहते हैं पंखुड़ियों का आपस में जो संलग्नता हमको दिखाई देती है, ये बहुत ही एडवांस फीचर हमको देखने को मिलती है एक फ्लावर में। तो ये थे कुछ मेरिट्स बैंथम एंड हुकर्स के। अब अगर हम इसके डीमेरिट्स देखें, डीमेरिट्स वो होते हैं कि कुछ टैक्सोनॉमिस्ट को यहाँ पे क्रिटिसिज्म दिखाई देता है, क्योंकि कुछ क्लासिफिकेशन में या कुछ स्पीशीज़ में उनको ऐसा कुछ चीज़ें दिखती हैं जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें डीमेरिट्स क्या होता है। डीमेरिट्स ये है सबसे पहला कि इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा जाना यह सबसे अननेचुरल माना गया, क्योंकि प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में बांटा गया है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को यहाँ पे टैक्सोनॉमिस्ट ने ऑलरेडी डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में डिवाइड कर दिया और इसके बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा, तो ये आपस में तो ये यहाँ पर भिन्नता हमको दिखाई देती है। मोनोक्लमाइडी, मोनोक्लमाइडी ये मतलब कि ऐसा होता है जिसमें पेटल्स और सेपल्स एब्सेंट रहते हैं, जिसमें पेरियांथ हमको दिखते हैं। यह भी बहुत कुछ टैक्सोनॉमिस्ट को यह कंसिडर्ड नहीं लगा, सुटेबल यहाँ पे नहीं लगा। मोनोक्लमाइडी को गैमोपेटली के बाद में रखना भी यहाँ पे सुटेबल नहीं रखा। कुछ ऐसे स्पीशीज़ को यहाँ पर ऐसे रखा गया है आपस में जो कोरिलेट नहीं करते हैं, उन्हें एक साथ रखा गया है, और जो आपस में कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, जो सिमिलर जो दिखाई पड़ते हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे से अपार्ट रखा गया है, दूर रखा गया है। कुछ जो स्पीशीज़ है जो मोनोक्लमाइडी के अंदर में आते हैं, जैसे किनोपोडियसी फैमिली हो गया, वो पॉलीपैटली जो फैमिली होता है उससे रिजेम्बलेंस उसकी फीचर्स से ये सिमिलर उसके फी उसकी जो फीचर्स है उससे ये सिमिलर होते हैं। ऑर्किडेसी फैमिली को यहाँ पर सबसे बिगनिंग में रखा गया और इसे मोस्ट प्रिमिटिव माना गया, जबकि ऑर्किडेसी फैमिली को सबसे एडवांस माना जाता है। एस्ट्रेसी फैमिली को गैमोपेटली जो रहता है, जो गैमोपेटली जो सीरीज़ है उसके सबसे बिगनिंग में रखना यहाँ पे क्वाइट अननेचुरल लगा। लीलियसी और एमारेलिडेसी फैमिली आपस में एक दूसरे से ये रिजेम्बलेंस रखते हैं, इन दोनों के कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे से काफ़ी मैच होते हैं, लेकिन फिर भी इस क्लासिफिकेशन में दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट ऑर्डर या ग्रुप्स में रखा गया है। फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशंस यहाँ पर नहीं दिखते हैं, यहाँ पे इवोल्यूशनरी ट्रेंड सिमिलर होने के बाद भी एक दूसरे को एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ से अलग रखा गया, और फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेंड एक ना होने के बाद भी एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ के साथ में यहाँ पर रखा गया है। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स बैंथम एंड हुकर्स के। तो ये क्लासिफिकेशन हम आज पढ़े हैं बैंथम एंड